के आपदा प्रबंधन मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनाब अब्दुल गफूर साहब, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण हमारे साथ आए हुए हैं, बिहार सरकार के विकास आयुक्त, बिहार के पुलिस महानिदेशक और अन्य अनेक अधिकारीगण भी आए हुए हैं। निश्चय यात्रा के सिलसिले में आज आपके शासन गांव में आपके वार्ड नंबर 7 में मुझको आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं शासन पंचायत के मुखिया जी को और यहाँ के वार्ड सदस्य को और अन्य वार्ड सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ, और जो कुछ भी हमारे बिहार सरकार का 7 निश्चय है और उस 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर गांव में गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण होना है, हर घर में नल का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली देना है, हर घर में शौचालय का निर्माण कराना है, और यह हरेक गांव में और हरेक घर के लिए ये जरूरी चीजें हैं। तो हम लोगों ने यही निर्णय किया कि हम हर जगह इस चीज को पहुंचाएं। तो आज मुझे खुशी है और ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और हरेक ग्राम पंचायत में कुल मिलाकर पूरे तौर पर ग्राम पंचायत के हर वार्ड में ये सारा काम पूरा करने के लिए, खास करके गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण और इस काम में, हर घर में नल का जल, इस काम में कुल 4 साल की अवधि रखी गई है, 4 वर्ष के अंदर, और इस साल हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। आपको मालूम है जो हम लोगों का महागठबंधन बना चुनाव के पहले, RJD, जनता दल और कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें हम लोगों ने 7 निश्चय का ऐलान अपने साझा कार्यक्रम में किया, और सरकार बनी तो इस 7 निश्चय कार्यक्रम को सरकार ने स्वीकार करके इस पर काम करना प्रारंभ किया, और 1 साल अभी हम लोगों के कार्यकाल का पूरा हुआ, मात्र 1 साल, और इस 1 साल के अंदर जो भी हम लोगों के 7 निश्चय के अंतर्गत घोषित कार्यक्रम थे उस पर काम प्रारंभ हुआ। और ये जो हमारी निश्चय यात्रा है, हम शुरुआती दौर में निकले उसको देखने के लिए कि किस तरह से काम हो रहा है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है, वो उसका परिमार्जन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो इस उद्देश्य से पूरे बिहार के निश्चय यात्रा पर निकले हैं और हर जिले में जा रहे हैं। इस तरह से 2-3 जगह का हम भ्रमण करते हैं, और यहाँ आपके यहाँ से जाने के बाद 1 जगह और जाना है, और फिर 12:30 बजे से चेतना सभा है, फिर शाम में हम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर पूरी समीक्षा करते हैं कि क्या कार्रवाई चल रही है इन सारी चीजों पर। तो आज इस गांव में आकर इस चीज को कैसे धरती पर उतारा जा रहा है, मुझे खुशी हुई वार्ड नंबर 7 में, और जो काम की शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है, गली का पक्कीकरण, दोनों तरफ नाली का निर्माण, और जितनी जगह पर नल लगाया जा रहा है वहां से जो पानी निकलेगा वो छोटे नाले से बड़े नाले में आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ की गई है, जो हम लोगों की सोच है उसके अनुरूप व्यवस्था की, इसके लिए मैं पूरे पंचायत को, वार्ड को और हमारे जितने जिलाधिकारी और उनके साथ लगे हुए विभागों के जितने भी अधिकारी और अन्य लोग हैं सबों को मैं बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से पूरे पंचायत में ये काम होगा, धैर्य रखिए, क्योंकि एक बार पूरे बिहार में आप जानते हैं 8,400 ग्राम पंचायत है, और अगर कोई कहे कि हम एक ही बार सब जगह कर देंगे, ये कहीं संभव होता है? कुछ भी इतने संसाधन की बात को छोड़ दीजिए, इसको क्रियान्वित करने वाले लोग कहां से मिलेंगे?
आप अचानक चाहिएगा कि 21 साल में हर जगह हर काम करा देंगे, तो उसके लिए जो बनाने के लिए सामग्री चाहिए वो नहीं मिलेगी। जो ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि हम लोग कोई भी काम करना चाहते हैं तो ठोस तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए किस वार्ड में काम पहले शुरू होगा उसको उसकी प्राथमिकता तय करने के लिए भी मापदंड बना दिया गया हिसाब, जिसमें दलित महादलित की आबादी सर्वाधिक है वहां से शुरू हो, यानी समाज का जो सबसे कमजोर तबका है वहीं से शुरू करेंगे। और ऐसा मत समझिएगा कि कोई वार्ड छूटेगा। अभी हमको लगा कि यहाँ से एक महिला जो आई सामने बैठी है वो बोल रही थी कि हमारे वार्ड में हुए। हाँ देखो भाई, जब अहो के वार्ड में काम बने थे ना तो आए देखे। तो सबको धैर्य रखना चाहिए और ये पूरा और पूरे गुणवत्ता के साथ पूरे डीएम साहब देख लीजिए, घर रहने का नहीं तो इंदिरा आवास दिलवाइए इनको, तो ये सब काम करिए। तो मुझे खुशी हुई है और जिस वार्ड में एक काम शुरू किया इन्होंने गली और नाली का, वहां नल का जल भी कर दिया, में शौच से मुक्ति भी हो गई, बिजली का कनेक्शन भी दे दिया। तो हमारे 7 निश्चय के जो कार्यक्रम गांव के लिए हैं वो सभी कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। तो मुझे खुशी है आज आपके बीच में आकर मुझे प्रसन्नता हुई, आपने जो मुझे सम्मान दिया इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। और हमारा इसी में मन लगता है, कोई काम बिना सोचे समझे हम ऐलान नहीं करते, सोच समझ लेते हैं, देख लेते हैं, महसूस करते हैं कि यह काम होना चाहिए तो हम पूरा पहले उसकी तैयारी करते हैं। इस काम को करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, कैसे पैसा का प्रबंध होगा, ये सब चीज पर गौर विचार अधिकारियों को भी विश्वास में लेकर कर लेते हैं, तब हम उसकी घोषणा करते हैं। बिना सोचे समझे हम नहीं करते, अगर घोषणा करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं और घोषणा करते हैं तो उस पर अमल करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव में कुछ बोल दिया और चुनाव के बाद उसको भूल गए, यह हमारा हम लोगों का स्वभाव नहीं है। हमने क्या कहा था, शराबबंदी लागू होगा अगली बार आएंगे तो शराब को बंद करा दिया। तो इसलिए जो भी काम हम करते हैं, जो किया कहा उसको किया, और जो कहा उसको किया, कैसे हो रहा उसी को देखने के लिए घूम रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। और पूरे पंचायत में और हर पंचायत में, न सिर्फ सुखासन पंचायत में बल्कि जिले के हर पंचायत में हर वार्ड में ये सारा काम होना है और इसकी शुरुआत। तो अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छी होती है तो उसमें उपलब्धियां भी अच्छी होती है। तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए जिला प्रशासन डीएम समेत तमाम लोग जो इसमें शामिल है, मुखिया जी, वार्ड मेंबर से लेकर सब लोग। और एक काम आपका और भी अच्छा है, वार्ड समिति, यानी इसके बाद स्वच्छता पर ध्यान हो, उसके रख रखाव पर ध्यान हो। अगर नल का जल मिलना है तो आप देख रहे हैं कि पंप लगाया गया है, एक ऊपर में ऊपर टंकी है, वहां से पानी जा रहा है सब जगह, तो हर जगह जाने का कनेक्शन है, सब चीज को देखना, नाली बन गया, स्वच्छ रहना चाहिए, सबका रख रखाव भी होना चाहिए। तो इन सब चीजों को, शौचालय बन जाए तो शौचालय किस लिए बनाया जा रहा है, खुले में शौच से मुक्ति मिले। आप जानते हैं खुले में शौच के कारण बहुत तरह की बीमारी होती है, और अगर खुले में शौच बंद हो जाए तो आज जितने प्रकार की बीमारी होती है 90% बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसके साथ हम लोग स्वच्छ पेयजल, यानी यहाँ पर गुणवत्ता प्रभावित है, जल में आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो हम लोग आयरन की मात्रा को कम करके पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, यह योजना है। और यह लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो यह सब अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो आज आपके बीच आकर मुझे खुशी हुई है, मैं आप सबको खबरें आप तक पत्थरों से, रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते, हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की,
जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ। कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स, www.madhepuratimes.com पर। पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।